हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपके नए वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं चेन्नई में एक्सप्लोर करने के लिए, जगह जो कि आसपास है, थोड़ा आसपास नहीं 10-12 किलोमीटर दूर है। कैब को बुलाया, कैब आ रहा है, तो कैब में जाएंगे। और यही है हम लोग का प्लेस जहाँ पे हम लोग आज रुके थे, 2 दिन से हैं यहीं पर। यह बाहर का व्यू है, अंदर का व्यू भी आपको दिखाएंगे जाके अंदर में। कैब का इंतजार हो रहा है, कैब आने से हम लोग निकल जाएंगे। तो हम आ चुके हैं अभी कल्पेश्वर मंदिर, और यहाँ अंदर जाएंगे। अंदर में कैमरा अलाउ है कि नहीं पता नहीं, पर चलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं आपको बताएंगे। तो ये जो रथ देख रहे हैं, ये यहाँ पे भगवान का रथ है जो कि निकालते हैं बीच बीच में, आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कल्पेश्वर मंदिर से आ चुके हैं, और वहाँ से सेंट जो चर्च है, एक मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, भूल गया, तो वो चर्च हम पैदल ही सवारी कर लिए। लगभग 50 रुपया लेता है ऑटो वाला, लेकिन सोचा ज़्यादा दूर नहीं है तो ऐसे चले जाए। और सामने जो दिख रहा है आपको, तो वही चर्च है, पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स, तो हम हैं अभी इडियट बीच पे, इडियट या आइडट नाम है, सॉरी भूल गया मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब मछुआरा का नाव है, जो कि मच्छी के लिए जाते हैं तो वो समुंदर में तो यूज़ करते हैं, सब नाव ही नाव। सामने लाइट हाउस है, और
ये अभी बंद है, 3 बजे खुलेगा, अभी बज रहा है 2, 1 घंटा समय है, लेकिन हम अभी नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें जाना है, हमारा ट्रेन है आज रात को 10 बजे, और मुझे थोड़ा फ्रेश फ्रेश होना है, तो होटल में हमें 8 बजे लीव करना है, 6 बजे होटल पहुँचना है जैसे तैसे, इसलिए हम 5 बजे तक घूम रहे हैं। तो यहाँ पे अगर रुक गए तो बीच वगैरह और कुछ कुछ जो है वो सब छूट जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले बाकी सब जगह घूम लें, बाद में देखा जाएगा इसको। ऐसे भी लास्ट ईयर गए थे, और यहाँ महात्मा गांधी स्टेचू है ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये महात्मा गांधी स्टेचू है। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अभी बीच के किनारे में, यहाँ से स्लोप है इसलिए नीचे नहीं जा रहा हूँ, स्लोप से ऊपर उठने में दिक्कत होगा, एक तो बालू है उसमें चक्का घुस रहा है, आप देखो मेरा व्हील अंदर जा चुका है, चलाना मुश्किल है, और पीछे में देखिए कैसा है। तो हम जैसे तैसे व्हीली करके पहुंच गए यहाँ तक, नीचे नहीं जा रहे हैं, यहीं से एंजॉय करेंगे। तो हम अभी पूरे समुंदर के साइड में आ गए, आप देखो यहाँ पे मेरा व्हीलचेयर अंदर का अंदर जा ही रहा है, सामने धस रहा है, तो अभी पूरा समुंदर के पास आ गए मज़ा लेने के लिए, और समुंदर का मज़ा लिया जा रहा है। ये सामने का धो जो आ रहा है, सामने का वेव बहुत ही तगड़ा है, ये पूरा हिट करने वाला है, मुझे लग रहा है आने से, छोटा सा था सॉरी, इससे ज़्यादा बड़ा आता है, मेरा पैर ऊपर तक भी दिखता है। तेरा यहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा है, कुछ हमारे व्हीलचेयर फ्रेंड उधर भी है, दो व्हील
बच्चा जैसा वो भी आराम से यहाँ से एंजॉय कर रहा है। हम चले गए थे नीचे तो आने में ऊपर बैंड बज गया, कैसे भी करके दो तीन ब्रदर्स का हेल्प लेके ऊपर आ गए। वो बिहार से थे, पटना से, तो वो दोनों को थैंक्स बहुत बहुत तीनों को। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था, यहीं पे एंड कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे हैं, बहुत लंबा है, लगभग हाफ किलोमीटर। पहले भी दो बार आया था तो बहुत दिक्कत हो गया था, लेकिन अभी ये बना दिया, बहुत अच्छा है, सुविधा, आराम से आ सकते हैं। और थोड़ा एंजॉय किया, आप देख लोगे वीडियो में कैसा है कैसा नहीं, आप बताइएगा कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस, कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सके तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कोई और देख के वो भी मोटिवेट होकर आराम से एंजॉय करने के लिए आए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो तक, बाय बाय।